Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं जिस पिक का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है, सबसे पहले मैं आपको वो पिक दिखाऊंगा, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह बिल्कुल आसानी के साथ बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है और बैकग्राउंड आप दूसरा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ फ़ोटो और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है, ये देखें। तो इसके पीछे भी मैंने ये बैकग्राउंड लगाया है, तो आप भी ऐसा इस तरह का कोई और भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आना है क्रोम, क्रोम के अलावा कोई और भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं, ओपेरा भी, यूसी भी, कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड बीजी रिमूव ऑनलाइन, यहाँ पर लिखना है आपने बीजी रिमूव ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, या www.remove.bg, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने आकर यहाँ अपलोड इमेज पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड इमेज पर, और यहाँ पर आपने तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आने के बाद आपने यहाँ पर से तस्वीर सेलेक्ट करनी है, तो कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये तस्वीर अभी अपलोड हो रही है। तो ये मैंने पहले रिमूव किया हुआ था, ये पहले वाली तस्वीर है, तो इसको काट देते हैं। ये अब वाली तस्वीर अपलोड हो रही है। तो दोस्तों इस तस्वीर को जो आपने जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको आपने एक घंटे के अंदर अंदर सेव कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये ओरिजिनल पिक थी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये ओरिजिनल पिक थी, और यहाँ पर ये वो पिक है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो ये तस्वीर है ना जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इसी वक्त, तो आपने यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको बैकग्राउंड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपने किसी पर भी क्लिक कर देना है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है इसी वक्त। तो आप इसमें से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो मैंने ये सिलेक्ट फाइल कर ली है, इसके अलावा आप और भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर नुक्कर में है सिलेक्ट फोटो, यहाँ पर आप और कोई और भी बैकग्राउंड अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली साइड के नुक्कर में यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जहाँ पर ये उल्टा तीर बना हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। तो दोस्तों यहाँ पर आगे आपके सामने आ गया है डाउनलोड इमेज, तो यहाँ पर डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने रिप्लेस फाइल नहीं करनी, आपने करना है क्रिएट न्यू फाइल। इससे क्या होगा, नई फाइल बन जाएगी। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो पुरानी फाइल होगी उसको वो डिलीट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड हो गई है, ये वाली फाइल हमने अभी बनाई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। ये
पहले बनाई थी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए और भी।